बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि साइटो 2023 जो है, जो कि अब रिसेंटली जो है साइटो 547 के नाम से पास भी हो चुकी है, तो ये कैसी किस्म है? देखें, गंदम के काश के हवाले से तो ये बहुत अच्छी एंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके ऊपर सकेंगे इंसेक्ट्स का जो है ना, कीड़े का हमला कम होता है, खर्चा भी कम होता है, लेकिन इसकी पैदावार सलाहियत जो है, इसका यील्ड पोटेंशियल जो है, ये SS32 और दीगर कई अकसाम के मुकाबले में बहुत कम है। तने कमजोर होने की वजह से गिरने का रुझान भी इसमें पाया जाता है, ये गिर भी जाती है, तन टहनियां इसकी कमजोर होती हैं, पत्ता काफी चौड़ा होता है। अब बात यह है कि ये इसकी तारीफ की है या इसको इसका क्या बताया है? इसकी पैदावार सलाहियत दरमियानी है, कभी कभी अच्छी भी हो जाती है। मैं मिसाल देता हूँ कि हिरन फार्मिंग की बजाय जो है ना बकरा फार्मिंग, उसमें ज्यादा फायदा है। तो हिरन फार्मिंग जो है ना, वो हर एक को वो कामयाब नहीं है, उसकी मल्टीप्लिकेशन ही बहुत कम होती है, जबकि बकरा फार्मिंग जो है ना उसमें ज्यादा फायदा है। अब देखें कि जिस बंदे ने, मेरा मशवरा ये है इस तनाजर में कि 10 में से 2-3 एकड़ जो है ना, ये तो आप साइटो लगा सकते हैं। जबकि एक बंदा कहे कि बस ठीक है, इसके ऊपर व्हाइट फ्लाई की स्प्रे कम होगी तो यही लगा ली जाए अगले साल, तो ये ठीक नहीं है। तो ये जो है ना, इसके अंदर हिडन कई कमजोरियां मौजूद हैं, उसके पेशे नजर जो है ना, ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है कि इसको जो है ना एहतियात के साथ कुछ रकबे के ऊपर इसको जो है ना लगाना चाहिए, वसी पैमाने पर लगाना जो है ना, ये नुकसान का बायस हो सकती है।